हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन इन आवर इकोनॉमिक्स क्लास। तो हम लोग देखते हैं हमारे इकोनॉमिक्स की क्लास में, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने देख रखा था हमारा बाकी सारा सिस्टम, फिस्कल सिस्टम वगैरह देख लिया था, मॉनेटरी पॉलिसी देख लिया था हमने, बैंकिंग सेक्टर देख लिया था। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और हम लोग थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स टॉपिक उठाना शुरू करेंगे, दैट इज टैक्सेशन। तो हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं टैक्सेशन के बारे में। सीखने से पहले दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट क्लियरेंस के लिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल की ये लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अपने डाउट्स के लिए और मटेरियल डाउनलोड करने के लिए। इसके अलावा कुछ हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो प्रिलिम्स ओरिएंटेड और मेंस ओरिएंटेड दोनों ही हैं। दोनों की ही सेपरेट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप उसको यूज कर सकते हैं अपने इफेक्टिव एंड बेटर प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज, दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज जो कि आप देख सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टैक्सेशन। फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि टैक्सेशन की जरूरत क्या है। पहले तो टैक्सेशन होती क्या है। टैक्सेशन का मतलब ये होता है कि देखिए, ये है आम जनता, और आम जनता कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही होती है, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू ये या तो पैसे कमा रहे होते हैं या ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। तो इन ट्रांजेक्शन और इनकम पे गवर्नमेंट अपना खर्चा चलाने के लिए क्या करती है कि आपसे कुछ कंट्रीब्यूशन लेना शुरू कर देती है। ये कंट्रीब्यूशन को ही बोला जाता है टैक्सेशन। तो ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी भी की जा रही होती है उस पे एक कुछ परसेंटेज का एक कंट्रीब्यूशन ले लिया जाता है, और इसी कंट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं टैक्सेशन। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब यहां पर दो तरीके हैं। एक हुआ जहां पर आप डायरेक्टली वसूल रहे हैं इनकम पे, तो उसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स, जहां पर आप डायरेक्टली ले रहे होते हैं। दूसरा है जहां पर आप ट्रांजेक्शन पे ले रहे होते हैं, मतलब कि यू आर नॉट डायरेक्टली इम्पोजिंग एनी टैक्स ऑन एनी वन, बट यू आर इम्पोजिंग टैक्स ऑन एवरी वन। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं उनको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। अभी हम लोग और क्लैरिटी के साथ देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या चीज है। तो टैक्स आर इनवॉलंटरी फी लेवीड ऑन इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशंस एंड इन्फोर्स्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटी। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब टाइप ऑफ टैक्स के बारे में बात करें तो हम लोगों ने बात किया कि यहां पर दो टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को इसी में डाउट रहता है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो देखिए, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, बहुत ही आसान और सिंपल एग्जांपल से हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए कि एक सोसाइटी है जिसमें 10 लोग रहते हैं। सपोज ये 10 लोग हैं, ठीक है। इन 10 लोगों की अपनी खुद की कुछ ट्रांजेक्शन हो रही होंगी, इन ट्रांजेक्शन के थ्रू ये लोग इनकम कमा रहे होंगे। क्लियर। तो इनकम कमा रहे हैं। अब देखिए, जब भी किसी बंदे से टैक्स लिया जाए, ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा टैक्स है, बट टैक्स है, कोई टैक्स लिया जाए और उसका इफेक्ट भी उसी को मिले जिस पर टैक्स लगाया जा रहा है, तो जिसका इफेक्ट उसी पर दिखे जिस पर टैक्स लगाया जा रहा है, इस तरीके के टैक्स को बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक। दूसरा एक और टैक्स होता है जिसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, जहां पर क्या होता है कि इम्पोज चाहे किया जाए किसी पर या ना किया जाए, लेकिन इफेक्ट सब पर दिखेगा। यहां पर तो इंडिविजुअल पर दिख रहा है जिस पर आप टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, लेकिन यहां पर टैक्स का इफेक्ट सब पर दिखेगा, एवरीवन, ठीक है। इस तरीके के टैक्स को बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू लेकर के चलते हैं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स का मतलब आपका एक घर है और उस घर अब आपके नाम पे ही घर होगा, यानी इंडिविजुअल के नाम पर घर है तो इंडिविजुअल से ही टैक्स वसूला जाएगा। इस तरीके के टैक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स। तो घर भी आपका था और आप ही से टैक्स भी लिया गया, तो जो इफ टैक्स लिया गया उसी पे इफेक्ट भी पड़ रहा है, तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। क्लियर हो गया। सिमिलरली मान लेते हैं इनकम टैक्स, ये भी क्या हो रहा है, आपका खुद का इनकम था इसीलिए आप पर टैक्स लिया गया, बन गया आपका डायरेक्ट टैक्स। सिमिलरली वेल्थ टैक्स, आपके पास जितनी वेल्थ है, जितना गोल्ड है, जितनी कैपिटल है,
उन सब पे आपको टैक्स लिया गया, तो ये बन गया क्या, डायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि आप ही के पास था वो अमाउंट और आप ही से उठाया गया, तो ये बन जाती है आपकी वेल्थ टैक्स। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि डायरेक्ट टैक्स हमें कैसे निकालना है। इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्मेट में अगर बात किया जाए, जैसे अगर मान लेते हैं कि पार्ले जी खरीदी गई है, अब पार्ले जी आप खरीदिए चाहे ना खरीदिए, यू हैव ऑलरेडी पेड दैट टैक्स, आपने वो टैक्स पे कर दिया है। सिमिलरली बाकी चीजों पे भी जब आप देखेंगे इस तरीके से इनडायरेक्ट फॉर्मेट में, तो आपको दिखेगा कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे मान लेते हैं सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स। अब मान लीजिए कि आप गए किसी रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट में आपने क्या किया, वहां पर सेल्फ सर्विस यूज किया, आपने सेल्फ सर्विस यूज किया, आपने रेस्टोरेंट की सर्विस यूज नहीं किया, फिर भी रेस्टोरेंट वाले ने आप पे सर्विस टैक्स लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये तो सबसे वसूल रहे हैं, ये आपका चला गया इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्मेट में। सिमिलरली कई सारे टैक्सेस हो जाते हैं इस तरीके से जो इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्मेट में चले जाते हैं। जैसे आपकी एक्साइज ड्यूटी हो गई, एक्साइज ड्यूटी जहां पर स्टेट क्या करती है, बंदे से, एक बंदे से टैक्स वसूल लेती है, जो भी बंदा ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया है, इससे इन्होंने एक्साइज ड्यूटी ले ली। अब ये एक्साइज ड्यूटी उससे केवल नहीं लेंगे जिसने इनकी सर्विस को इम्पोज करना है, अब ये इसका जो इफेक्ट रहेगा वो सब पे लगेगा, मतलब कि हर एक गुड पे, हर एक सामान पे लग जाएगा। तो अगेन एक्साइज टैक्स क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। सिमिलरली कस्टम टैक्स भी हो जाएगा, तो कस्टम और एक्साइज सिमिलरली एक जैसे होते हैं, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली सेल टैक्स हो जाती है, सेल टैक्स में भी आपको सेम इसी तरीके की प्रोसीजर देखने को मिल जाती है। तो एक क्लैरिटी आ गई होगी कि डायरेक्ट टैक्स क्या होती है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होती है, कैसे इन दोनों को आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। क्लैरिटी आ गई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आता है मेथड ऑफ टैक्सेशन। तो हम लोग क्या है कि कई तरीके से हमारी मेथड्स होती है टैक्सेशन लेने की। जैसे सपोज मान लेते हैं कि तीन तरीके के हमारे पास आदमी है, ठीक है, इनकी इनकम मान लीजिए कि पर मंथ 1000 रुपीज है, इनकी इनकम मान लेते हैं कि पर महीने जो होती है 100 रुपए है, और इनकी मंथली इनकम मान लेते हैं कि 10 रुपए है, ठीक है। तो तीन तरीके के आदमी हैं, अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू इम्पोज टैक्स, और उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कैसा मेथड है। अब एक मेथड होता है जहां पर आप प्रोग्रेसिव तरीके से ले रहे होते हैं, मतलब जहां पर क्या होता है कि यू हैव आइडेंटिफाइड अ बेस, इस तरीके से आपने बेस लगा दिया कि चलिए ठीक है, जो लोग भी 10 रुपए कमा रहे होंगे उनपे हम केवल 1% टैक्स ले रहे होंगे, ठीक है। तो 10% या फिर 10% से कह लीजिए 10 रुपए से लेकर के 20 रुपए जिनके पास भी होंगे, 20 रुपए जिनके पास भी होंगे उनसे हम इस तरीके का टैक्स लेंगे। जिन लोगों के पास में 100 से 999 रुपीज होंगे उनसे हम लोग 10% टैक्स ले रहे होंगे, और जिनके पास 1000 से लेकर के 10,000 या 999 का ये हो जाएगा बेस रेट हो जाएगा, उनसे हम लोग 30% टैक्स वसूल रहे होंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अकॉर्डिंगली यू आर प्रोग्रेसिंग, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ते आ रही है। तो इस बंदे पे जो टैक्स लग जाएगा वो 30% वाला लग जाएगा, इस बंदे पे जो टैक्स लग जाएगा वो 10% वाला लग जाएगा, इस बंदे पे जो टैक्स लगेगा वो 1% वाला टैक्स लग जाएगा। क्लियर हो गया? इस तरीके से जहां पर ये लैडर शेप में बन जाती है, उस लैडर शेप को ही हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोल देते हैं हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोग्रेस में है, तो प्रोग्रेसिव हो जाता है। दूसरा इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पहले प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल में तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होगा कि इफ टैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम, तो यहां पर क्या होता है कि टैक्स इज इक्वल्स टू एक कॉन्स्टेंट के लग जाती है और उसके बाद से इनकम हो जाता है। यानी कि टैक्स कितना लगेगा ये डिपेंड करता है आपके इनकम पे, और एक ये मल्टीप्लायर हो जाता है। सपोज दिस मल्टीप्लायर इज 0.5, ठीक है, तो अब इनके ऊपर कितना टैक्स लग गया, 1000 वाले भाई साहब पे, 1000 वाले भाई साहब पे लग गया 0.5 इनटू 1000, यानी कि इनके पास जो पैसा लग गया, टैक्स लग गया वो 500 रुपए लग गया। इनके ऊपर कितना लग गया, इनके ऊपर लग गया 0.5 इनटू 100, यानी इनके ऊपर लग गया 50 रुपए। इनके ऊपर कितना टैक्स लग गया, 0.5 इनटू 10 इज इक्वल्स टू 5 रुपीज लग गया। तो अकॉर्डिंगली जो है पैसा चेंज होते रहता है। सपोज यहां पर 12 रुपए किसी के पास है तो 0.5 इनटू 12 यानी 6 रुपीज इनके ऊपर टैक्स लग जाएगा। सिमिलरली मान लेते हैं किसी की अमाउंट जो होती है 500 है तो 500 का 0.5 यानी 250 रुपए लग जाएगा इनके ऊपर टैक्स।
तो यहां पर क्या होती है, हर एक बंदे के टैक्स जो होगी वो अलग अलग हो जाएगी। यहां पर कोई बैरियर नहीं है, यहां पर सिर्फ क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी है। तो प्रोपोर्शनली आप टैक्स ले रहे होते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब इसके बाद लास्ट आता है जिसको बोला जाता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि यहां पर टैक्स फिक्स होती है, फिक्स टैक्स होती है। अगर मान लीजिए फिक्स टैक्स मान लेते हैं कि जो होती है 50 रुपीज मैंने फिक्स टैक्स कर दिया है। अब यहां पर क्या हुआ, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि दिस इज अ ग्राफ जहां पर पहले मैंने इनकम को लगा दिया। यहां पर एक व्यक्ति की इनकम थी कितनी, 1000 रुपीज। दूसरे व्यक्ति की इनकम हो गई थी 100 रुपीज। तीसरे व्यक्ति की इनकम हो गई कितनी, 10 रुपीज। ठीक है, अब इनके ऊपर में क्या हुआ, मतलब कुछ इस तरीके से कर्व है, 1000 दिस थिंग इस तरीके से कर्व है। अब यहां पर क्या हुआ है कि मैंने एक फिक्स टैक्स लगा दिया, कितने रुपए का, 50 रुपीज का। तो मैंने इनके ऊपर फिक्स टैक्स ये 50 रुपीज का लगा दिया। अब इसके बाद से क्या होगा, 50 रुपीज जब ये पे कर देंगे तो ये व्यक्ति चला गया निगेटिव में, -40 में। ठीक है, -40 में ये व्यक्ति चला गया 50 रुपीज पे, और ये व्यक्ति क्या है, 950 रुपीज में चला गया। इससे क्या होता है कि जो मतलब हाई क्लास का बंदा है उसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो मिडिल क्लास का है उसके ऊपर फर्क पड़ा, और जो लोअर क्लास का है वो तो बेचारा डूब ही गया। तो यानी कि यहां से सिस्टम लैडरशिप इस तरीके से था, जहां पर प्रोग्रेसिव हो रहा था, यहां पर क्या हुआ कि जो गरीब आदमी है वो आ गया इस कैटेगरी में। क्यों, क्योंकि यहां पर इससे सबसे ज्यादा टैक्स वसूल लिया गया है। नाउ द सिस्टम जो कि पॉजिटिव साइड में ऊपर इस तरीके से चल रहा था, अब वो निगेटिव साइड में चला गया है, और सिस्टम अगेन कुछ इसी तरीके से चल गया है। तो इस तरीके के सिस्टम को बोला जाता है रिग्रेसिव सिस्टम। यहां पर टैक्स रेट फिक्स होती है, बट यहां पर इनकम जो है वो फिक्स नहीं होती है, और अकॉर्डिंगली सबके ऊपर बराबर की मार पड़ती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि पार्ले जी बिस्किट है। ठीक है, पार्ले जी बिस्किट है, पार्ले जी बिस्किट पे मान लेते हैं कि 1 रुपए टैक्स जो है वो लग रहा है। अब अगर कोई व्यक्ति 10 रुपए कमाता है वो भी इस पे 1 रुपए टैक्स दे रहा है, 100 रुपए कमाता है वो भी 1 रुपए टैक्स दे रहा है, और जो 1000 रुपीज कमाता है वो भी 1 ही रुपए टैक्स दे रहा है। तो इस तरीके के टैक्स को बोलते हैं हम लोग रिग्रेसिव सिस्टम। रिग्रेसिव सिस्टम इंडिया में रिग्रेसिव सिस्टम इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्मेट में पाया जाता है। तो इन जो इनडायरेक्ट टैक्स होती है, आप बोल सकते हैं इट इज अ मेथड ऑफ टैक्सेशन जो रिग्रेसिव टैक्सेशन मेथड यूज हो जा रही होती है। क्लियर हो गया। प्रोग्रेसिव के बारे में बात करेंगे तो प्रोग्रेसिव बेसिकली हम लोग यूज कर रहे होते हैं। कैसे यूज कर रहे होते हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं इसको इनकम टैक्स के फॉर्मेट में। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन इट इज नॉट वैलिड, एक्चुअल में क्या होती है, ये लग रही होती है लेकिन सेल्स वगैरह पे लग रही होती है, तो यहां पर आपको देखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इन इंडिया प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव यही दो टैक्सेशन सिस्टम ज्यादा प्रोमिनेंट फॉर्म में पाया जाता है। क्लैरिटी आ गई क्या चीज है टैक्सेशन का बेसिक्स। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए, एक और मेथड लगाया गया है जिसको बोला गया स्पेसिफिक एंड एड वैल्यूरम टैक्स। अब जरा इसके बारे में देख लेते हैं क्या चीज है। तो जो स्पेसिफिक टैक्स होती है इज अ सेट ऑफ सेट अमाउंट ऑफ टैक्स पर यूनिट सोल्ड बेस्ड ऑन वेट और नंबर। अब जैसे मान लीजिए कि सपोज यू आर सेलिंग बुक्स, ठीक है, अब बुक्स पे जितने नंबर आपने सेल किया अकॉर्डिंगली आपका टैक्स लगने वाला है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने 5 बुक बेची तो आपको 5 बुक के हिसाब से आपका टैक्स लिया जाएगा। 10 बुक आपने बेची तो आपको 10 बुक के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। तो यहां पर क्या होगी, अकॉर्डिंग टू द नंबर या अकॉर्डिंग टू द वेट आपसे टैक्स लिया जाएगा। छोटा सा एग्जांपल यहां पर मैं यूज करना चाहूंगा, जैसे मान लेते हैं कि एमएसएमई सेक्टर है और एक दूसरी है जो एमएनसी है। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर को देखे होंगे, यहां पर इनकी जो नंबर होती है या इनका जो वेट होता है किसी भी आइटम को परचेस करने या किसी भी आइटम की ट्रेड करने के लिए, तो इन पर क्या होता है जो टैक्स लगाया जाता है वो रिलेटिवली कम लगाया जाता है, रिलेटिवली लेस बर्डन यहां पे डाला जाता है। लेकिन जो भी एमएनसीज होती हैं इनकी ऑब्वियस ही बात है इनका नंबर काफी हाई होता है, बहुत ज्यादा ये सामान बेच रहे होते हैं, ट्रांजेक्शन इनकी काफी ज्यादा होती है, तो इनसे टैक्स जो वसूला जाता है वो हाई वसूला जाता है। तो इस तरीके के टैक्स सिस्टम को आप बोल सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक टैक्स मेथड है। क्लैरिटी आ गई क्या चीज है। सिमिलरली क्या होती है, एक दूसरी होती है, इसको बुलाता है एड वैल्यूरम टैक्स। इसमें क्या होती है, इसमें ये होता है जैसे मान लीजिए कि एक कार मैन्युफैक्चरर है, ठीक है,
कार मैन्युफैक्चरर अपनी कार बनाएगा तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू काफी हाई है। इसके अलावा कार में अगर बात करें तो यहां पर बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं। बहुत सारे पार्ट्स का मतलब मान लेते हैं कि टायर लग गया है, या मान लेते हैं कि चेसिस लग गई है, या मान लेते हैं कि इसमें आयरन की बाकी प्लेट्स वगैरह लग गई है, फाइबर वगैरह लग गया है, तो इन हर एक वैल्यू पे अलग से टैक्स लग रहा होगा, टैक्स लग रहा होगा, टैक्स लग रहा होगा। ये सारा टैक्स कलेक्टिवली धीरे 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 वैल्यू एडिशन के फॉर्मेट में अल्टीमेटली कार में आ जाएगा और अल्टीमेटली इस तरीके से यहां पर वैल्यू बढ़ जाएगी। नहीं क्लियर हुआ? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और ये थोड़ा सा एग्जाम्पल और आसान सा लेते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि कोई एग्रीकल्चरल फार्म है या फिर फार्मर है, ठीक है। फार्मर ने क्या किया, गेहूं उगा दिया, फिर ये गेहूं से पहुंच गया फूड प्रोसेसिंग सेंटर पे, यहां से वीट से फ्लोर तैयार हो गया, मैदा तैयार हो गया। इसके बाद से फूड प्रोसेसिंग सेंटर से जो मैगी तो छोड़िए, पिज्जा हट मान लेते हैं, पिज्जा हट ने क्या किया, ये मैदा ले लिया और इसका पिज्जा बना दिया। अल्टीमेटली हुआ क्या है, गेहूं को मैदा में कन्वर्ट किया गया और मैदा को पिज्जा में कन्वर्ट किया गया है। यानी सारे लोगों ने क्या किया है, वैल्यू एडिशन किया है, वैल्यू एडिशन किया है। तो ये जो वैल्यू एडिशन है इसी हिसाब से टैक्स चेंज होती रहती है। जैसे वीट पे अगर देखेंगे तो बहुत कम टैक्स लगेगा, मान लेते हैं 2% का टैक्स लग रहा है। फ्लोर पे चेक करेंगे तो 5% का टैक्स लग जाएगा, लेकिन पिज्जा पे जब देखेंगे तो 12% का टैक्स लग जाएगा। तो इस तरीके से जो टैक्स चेंज हो रही होती है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, उस तरीके को बुलाता है एड वैल्यूरम टैक्स। तो इट इज अ परसेंटेज टैक्स बेस्ड ऑन द वैल्यू एडेड बाय द प्रोड्यूसर, एज द वैल्यू एडेड इंक्रीज टैक्स ऑल्सो इंक्रीज। जैसे रियल सेक्टर में भी यही होता है कि आपने जमीन खरीदी, अलग तरीके का टैक्स लगेगा। सिमिलरली आपने हाउस को मतलब सेल किया तो उसका अलग टैक्स लग रहा होगा। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू एड वैल्यूरम टैक्स हो रही होती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हमारा आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ गुड टैक्सेशन सिस्टम। अब देखिए, टैक्सेशन बहुत जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि अगर टैक्सेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास उनका कुछ फंड नहीं आ पाएगा, पैसा नहीं आ पाएगा, और अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा तो वेलफेयर का जो काम है वो काम नहीं हो पाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टैक्सेशन सिस्टम टू मेक इट हेल्दी एंड गुड। अब जैसे इसमें सबसे पहले ही बताया गया है कि फेयरनेस, मतलब फेयरनेस का मतलब क्या हो गया, यहां पर देखिए, वी हैव हाई क्लास इन द सोसाइटी एज वेल एज लो क्लास इन द सोसाइटी। हाई क्लास और ज्यादा लगातार बढ़ते आएगा, हाई होते जाएगा, और लो क्लास लगातार नीचे गिरता जाएगा, क्योंकि इनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है और इनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं। तो इन दोनों के बीच में ये जो लगातार जो वाइडन गैप होते आ रहा है, इस गैप को कम करने का बेस्ट मेथड होता है टैक्सेशन, जहां पर आप पुअर से बहुत कम टैक्स या नहीं के बराबर टैक्स लेते हैं और हायर क्लास से आप ज्यादा टैक्स लेकर के इन दोनों के बीच में ये जो गैप काफी वाइड हो गया है उसको कम करने की कोशिश की जाती है, फेयरनेस इन द सोसाइटी ले आने की कोशिश की जा रही होती है। सिमिलरली इफिशियंसी के बारे में बात किया गया है कि इट विल रेज रिवेन्यू विथ लीस्ट कॉस्ट। तो ये कम से कम तरीके से, मतलब कि आसानी से रिवेन्यू जनरेट कर देता है गवर्नमेंट का। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी हो जाती है, रिड्यूस द वर्क रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एंड पे टैक्सेस। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब इट विल मॉडिफाई अकॉर्डिंगली, जब भी जरूरत होती है, जैसी जरूरत होती है वैसे ही इसको चेंज किया जा सकता है। फिर ट्रांसपेरेंसी हो जाती है, व्हेन द मनी इज कमिंग फ्रॉम एंड वेयर इट इज गोइंग। तो मतलब एक आइडिया लग जाता है कि कहां पर किसकी इनकम कितनी है, किस तरीके से वो ट्रांजेक्ट कर रहा है, कैसे काम चल रहा है इनका। क्लियर हो गया? तो वो तो चलिए ठीक है, कोई मतलब नहीं था बहुत ज्यादा। बाकी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत तरीके होते हैं। अब जैसे डायरेक्ट टैक्स के फॉर्मेट में हम लोगों ने देखा था कि जिस बंदे ने टैक्स दिया है, जिसने पे किया है, इफेक्ट भी उसी पर दिख रहा होगा, तो इफेक्ट आपको सोसाइटी पे नहीं दिखेगा। जैसे इनकम टैक्स हो गया, तो इनकम टैक्स इन्होंने पे किया है क्योंकि इनकी इनकम थी, इसी वजह से इन्होंने इनकम टैक्स पे किया। सिमिलरली कॉर्पोरेट टैक्स, अब जैसे कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या हो गया, ये मान लेते हैं हमारी कंपनी है, तो कंपनी जैसे क्या होती है, इंडिविजुअल जब होता है तो इंडिविजुअल अपना इनकम टैक्स दे रहा होता है, और कंपनी को इंडिविजुअल तो है नहीं, तो कंपनी दे रही होती है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स के तरीके से ही होता है, सिमिलरली इनकम टैक्स के तरीके से ही होता है, उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोला जाता है। इसके अलावा व्यक्ति की अपनी खुद की वेल्थ है, तो वेल्थ का ये टैक्स दे रहा है। सिमिलरली यहां पर इनकी कंपनी की जो वेल्थ होती है, इंडिविजुअल की वेल्थ होती है जो उसका सोना चांदी वगैरह हो जाता है, कंपनी की जो वेल्थ होती है वो होती है कैपिटल, और जब भी ये
यहां पर वेल्थ का जब गेन होता है तो ये वेल्थ टैक्स दे रहे होते हैं, कंपनी में जब कैपिटल का गेन होता है तो कैपिटल गेन टैक्स दे रहे होते हैं। अभी हम लोग सारा का सारा ये डिस्कस भी करेंगे क्या चीज है, ठीक है। यहां पर आपको केवल क्लैरिटी दिखाई जा रही है कि किस तरीके से ये लिंक है। तो इनकम टैक्स इज लिंक विद द वेल्थ टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स इज लिंक विद द कैपिटल गेन टैक्स। इसके बाद आता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, पे करे कोई भी इफेक्ट पड़ेगा सब पर, ठीक है, इफेक्ट पड़ेगा सब पर। अब आगे देखते हैं क्या सिस्टम है। इसमें पहला होता है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीज होती है। डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये सारा का सारा लग रहा है कंपनी के ऊपर, ठीक है। कंपनी ने एक टैक्स दे दिया कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। इस कंपनी में अब क्या है, बहुत सारे सब्सिडियरीज भी होती हैं, कंपनी की अपनी खुद की कई सारी सब्सिडियरीज हैं। सब्सिडियरी का अपना अलग टैक्स बैठता है। सब्सिडियरी में काम करने वाले बहुत सारे एम्प्लॉइज होंगे, इसमें भी एम्प्लॉइज होंगे, इसमें भी एम्प्लॉइज होंगे। इन एम्प्लॉइज का अपना खुद का अलग से टैक्स होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के फॉर्मेट में चला जाता है। एक चीज होती है जिसको बोलाता है MAT, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। क्या होता है वो भी अभी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो भी सिक्योरिटी के ट्रांजेक्शन की जाती है उसकी भी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगा दी जाती है। और बाकी एक और चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज GST। GST के बारे में भी हम लोग जरा देखेंगे डिटेल में। तो ये हमारे सारे के सारे टैक्सेशन सिस्टम हो जाती है। अभी हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे क्या सिस्टम है, कैसे लिया जाता है और क्या इसमें दिक्कत आ रही है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, दैट इज GST। व्हाट इज GST, व्हाई इट हैज कम। अब पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं और हम लोग आ जाते हैं अपनी हिस्ट्री में। हिस्ट्री मतलब इतिहास नहीं जाएंगे, हिस्ट्री मतलब जीएसटी से पहले। जीएसटी से पहले होता था वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, ठीक है। वैट में पहले तो देख लेते हैं वैट लगता कैसे था। वैट का मतलब है क्या, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब यह है कि जब भी किसी गुड में कोई भी आपने एक्स्ट्रा वैल्यू जोड़ी तो इस एक्स्ट्रा वैल्यू का आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से मान लेते हैं कि यहां पर वीट निकाला गया, वीट निकाला गया या राइस निकाली गई, क्लियर। ये यहां से ट्रांसफर होकर के, ट्रांसफर का मतलब यहां पर ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट होने के बाद में ये चला गया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पास, FPI के पास। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने क्या किया, इस वीट और राइस को प्रॉपरली आटे में तब्दील करके, फ्लोर में तब्दील करके इन्होंने क्या किया, इसकी पैकिंग कर दी, पैकिंग कर दी। इन्होंने क्या किया, अगेन वैल्यू एडिशन किया है। और इनका जो वैल्यू एडिशन है वो किस तरीके का वैल्यू एडिशन है, इनका वैल्यू एडिशन है बेसिकली इसकी वीट की प्रोसेसिंग करने को आटा में तब्दील करने के लिए वैल्यू एडिशन कर दिया इन्होंने। अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है वो अपना ये आटा कई जगहों पर ट्रांसफर कर सकती है, ये ट्रांसफर कर सकती है आगे की इंडस्ट्री में भी, और ये ट्रांसफर कर सकती है सिटी मॉल्स वगैरह में भी, जहां पर आप जाकर के फ्लोर वगैरह खरीद सकते हैं। यहां पर एक काम करते हैं हम लोग, इसको लेकर चलते हैं इस बार डोमिनोज में और यहां पर हम लोग पिज्जा बनवाएंगे। तो यहां पर क्या है कि ये लोग उठा लेते हैं और ये आगे जाकर के इसी फ्लोर से पिज्जा बनाना शुरू कर देते हैं। अगेन इन्होंने क्या किया है, वैल्यू एडिशन कर लिया है, वैल्यू एडिशन कर लिया है पिज्जा के फॉर्मेट में। और यहां पर भी इन्होंने क्या लगा दिया, ट्रांसपोर्ट। अब क्या हुआ कि वीट का प्रोडक्शन किया गया, वीट पे इन्होंने क्या किया, अपना खुद का टैक्स पे किया। मान लेते हैं कि एग्रीकल्चर टैक्सेबल है तो इन्होंने क्या किया, टैक्स पे किया, कुछ टैक्स इन्होंने पे किया, ठीक है। सपोज मान लेते हैं कि 100 रुपीज की इन्होंने वीट, इनकी 100 रुपीज की थी और इस पे इन्होंने 10 रुपए टैक्स दे दिया है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि जब भी ये 10 रुपए का टैक्स दिया जाएगा तो ऑब्वियसली ये जो फार्मर है ये टैक्स वसूलेंगे आगे वाले जो भी कंज्यूमर बनेगा। तो आगे कंज्यूमर इनका बन रहा है FPI, ये क्या करेंगे, 100 रुपीज तो था ही, 10 रुपए और जोड़ेंगे प्लस ट्रांसपोर्ट का मान लेते हैं कि 50 रुपए लग गया, तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट का, ये हो गया टैक्स का और ये हो गया इनका प्रिंसिपल। टोटल मार करके जो FPI को ये देंगे वो देंगे 160 रुपए में, ठीक। तो 160 रुपए पे अगेन इन्होंने क्या किया है, कुछ प्रोसेसिंग कर दी है और मान लेते हैं कि 40 रुपीज इन्होंने वैल्यू एडिशन कर दिया है, क्लियर। अब ये हो गया टोटल मार करके 200 रुपए। इस 40 रुपए पे वैट लग जाएगा और वैट पे मान लेते हैं कि इन पर जो वैट लगा थोड़ा सा ज्यादा लगा और इन्होंने 20 रुपए वैट लगा दिया। अगर टोटल कॉस्ट देखेंगे अब क्या होगा, टोटल कॉस्ट तो इन्होंने 200 ही पे किया लेकिन 20 रुपए वैट पे कर दिया है। अब आगे का जो कंज्यूमर होगा सीधी सी बात है वो 200 रुपए तो देगा ही देगा,
साथ में 20 रुपए टैक्स वाला भी ये जोड़ देगा, और जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आई है मान लेते हैं 100 रुपए, वो भी जोड़ दिया जाएगा। अब इस तरीके से क्या हुआ, 200 प्लस 300 और ये 320 रुपए हो गया इसी आटे का दाम, या फिर कह सकते हैं इसी आटे, यहां पे जो आटा बनाया गया उसका दाम हो गया 320 रुपए। मतलब 100 रुपए वाली चीज कन्वर्ट हो चुकी है 320 रुपीज में। अब ये 320 रुपीज में ऑब्वियसली जो हमारा डोमिनोज वाला है उसने खरीद लिया और इसने क्या किया, पिज्जा बना दिया। पिज्जा बनाने में क्या है कि इन्होंने अगेन वैल्यू एडिशन कर दिया, मान लेते हैं कि 80 रुपीज का, 80 रुपीज का इन्होंने वैल्यू एडिशन कर दिया, तो 80 रुपीज अगेन टैक्स वसूल लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, और इस तरीके से ये टोटल मार करके बन गया 400 रुपए। ठीक है, हमने कहीं पर भी सर्विस टैक्स वगैरह कुछ नहीं जोड़ किया है, कहीं हम मैं मान ही नहीं रहा हूं कि कहीं पर कोई सर्विस यूज हो रही है। अब देखिए 100 रुपीज 400 में कन्वर्ट हो गई है। यहां पर देखते हैं 100 रुपीज ये फार्मर ने प्रोड्यूस किया था, बाकी इसके बाद वैल्यू एडिशन के फॉर्मेट में जो FPI थी उसने इसमें वैल्यू एडिशन कितने का किया, वैल्यू एडिशन उन्होंने किया था हमारा 40 रुपीज का, 40 रुपीज का इन्होंने वैल्यू एडिशन कर लिया। पिज्जा वाले ने कितना वैल्यू एडिशन किया, पिज्जा वाले ने जो वैल्यू एडिशन किया वो किया है 80 रुपीज का, तो टोटल मार करके, और उसके बाद से 50 रुपीज का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यहां पर लगा है और 100 रुपीज का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यहां लगा है, मतलब 50 प्लस 100 दो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगा है। टोटल मार करके जब आप चेक करेंगे तो ये बन गया 220 320 और 370 रुपए टोटल बना, लेकिन कॉस्ट कितनी वसूली आ रही है 400 रुपए। तो यानी क्या हुआ है कि यहां पर अल्टीमेटली 30 रुपीज का ये जो टैक्स बर्डन है वो टैक्स बर्डन केवल और केवल अल्टीमेटली शिफ्ट किस पर हो गया, कंज्यूमर पे शिफ्ट हो गया, और वो वैल्यू एडिशन हर जगह जहां जहां पर वैल्यू एडिशन हुई है केवल वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगना चाहिए था, लेकिन इनकी सारी की सारी जितनी भी सर्विसेज जितनी जो कुछ भी है सारा का सारा टैक्स बर्डन हो गया कंज्यूमर पे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि कंज्यूमर ही लास्ट प्राणी होता और वही जो है लगातार ये जो टैक्स के दबे पांव ये दबता जा रहा था। इसके अलावा एक तो ये प्रॉब्लम थी ही सो थी, वो तो अलग बात है, लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो टैक्स यहां से लिया गया है, एक तो इनके द्वारा लिया गया है 10 रुपए का टैक्स फार्मर से, फिर उसके बाद 20 रुपीज लिया गया है हमारे FPI लोगों से, और उसके बाद से यहां पर 80 रुपीज टैक्स ले लिया गया है इनके द्वारा, इनके द्वारा ठीक है 80 रुपीज टैक्स ले लिया गया। ओके 80 रुपीज टैक्स, सपोज टैक्स लिया गया मान लेते हैं यहां पर 20 रुपए का लिया गया है, तो मान लेते हैं कि 20 नहीं 50 रुपए का टैक्स मान लेते हैं लिया गया है, तो 50 रुपए का टैक्स यहां पर भी जुड़ गया। टोटल मार करके अगर टैक्स देखेंगे तो 170 रुपीज का टैक्स हो जाता है। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है कि सेंटर वाले को कितना मिलेगा और स्टेट वाले को कितना मिलेगा, तो यहां पर अगेन बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज थी कि किसको क्या मिलने वाला है, और ये कॉम्प्लेक्सिटी केवल UPSC पढ़ने वालों को नहीं थी, पास होने वालों को भी एग्जैक्टली इतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी थी। तो एक तो ये VAT सिस्टम में कई सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, क्योंकि वैल्यू एडिशन भी इस तरीके से हो रहा था कि लगातार कंज्यूमर पे ही बर्डन पड़ रहा था, और दूसरा ये कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्मेट में। तीसरी चीज ये थी कि ये जो VAT सिस्टम है ये काफी पुराना सिस्टम है, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टैक्सेशन। बाकी के अगर ग्लोबल वर्ल्ड में बात करेंगे तो ग्लोबल वर्ल्ड में ऑलरेडी GST आ चुकी है, GST चल रही है, फ्रांस में सबसे पहले आ गई थी, तो अब क्या है हमारे ऊपर भी एक बर्डन पड़ रहा था, क्योंकि सीधी सी बात है इंडियन कंपनी केवल और केवल ट्रेड तो करती नहीं है, फॉरेन कंपनीज भी करती हैं, एंड फॉरेन कंपनीज बर्डन मतलब एक प्रेशर बनाना शुरू कर दी कि आप अपने टैक्स कल्चर को सही करिए, अगर नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये लगातार गिरती आएगी। अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए, FDI चाहिए, गवर्नमेंट को फॉरेन कंपनीज इंडिया में भी बुलाना है, तो अट्रैक्टिवनेस आपको लेकर के आना ही आना पड़ेगा। तो अट्रैक्टिवनेस आप कैसे लेकर के आएंगे, एकदम मॉडर्न सिस्टम में ले आकर के, मतलब आप समय के साथ चल के, और समय के साथ चलने का मतलब क्या है कि आप अपने टैक्स को भी चेंज करिए, यानी कि अब GST लाना बहुत जरूरी हो गया था। एक तो इंटरनल प्रॉब्लम्स है सो है ही, इसके अलावा अट्रैक्टिवनेस भी नहीं रह गई है। तो इन्होंने क्या किया कि VAT सिस्टम को हटा करके फिर GST लाया, तो इस तरीके से जो हमारा GST है वो फ्रेम में आया, प्रैक्टिकलिटी में आया, समझ में आया। अब GST का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जरा GST का मतलब भी समझ लेते हैं और ये भी देख लेते हैं क्या ये GST इस VAT के अंदर में जितनी भी इंटरनल प्रॉब्लम्स थी क्या इस इंटरनल प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर पा रहा है
या फिर हवाबाजी ही केवल हो रही है। तो अगेन हम लोग अपना पुराना एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हमारे फार्मर साहब हैं जो अपना वीट वगैरह मंगा रहे हैं, तो ये गेहूं लगा रहे हैं। इसके बाद ये गेहूं चला गया था एफपीआई के पास और ये आ गया था ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक है, एफपीआई के पास चला गया था और एफपीआई ने क्या किया था, इसको फ्लोर में तब्दील कर दिया था। फिर ये चला गया था अगेन ट्रांसपोर्ट लेकर के, ये चला गया था पिज्जा वाले के पास, ठीक है, और यहां पर इन्होंने पिज्जा बना दिया था। यहां पर ये कितने में बेचा गया था, ये बेचा गया था 100 रुपीज में। यहां पर ये बेचा गया था, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी ऐड हो जा रही है, 50 रुपए ऐड हो जा रही है, और यहां पर 100 रुपए ऐड हो जा रही है। क्लियर हो गया क्या चीज है? अब देखिए यहां पर क्या हुआ, सपोज फॉरनर ने 10 रुपए का टैक्स जीएसटी पे कर दिया, जीएसटी पे कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है ये एफपीआई वाला क्या होगा कि आगे जब इसको 110 रुपए में मिलेगा ये तुरंत, ये इसके ऊपर भी मान लेते हैं 40 रुपए का एडिशन कर दिया और 50 रुपए इन्होंने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगा दिया, तो टोटल मार करके 200 रुपए की हो गई, ठीक है, 200 रुपए की हो जाएगी। तो अगेन इन पे जीएसटी जो बैठेगा वो 200 रुपए के हिसाब से बैठेगा, तो 200 रुपए के हिसाब से जब बैठा तो मान लेते हैं कि इन पर 10%, सपोज 10% केवल लग रही है, 10% लगा के इनके पास 20 हो गया। लेकिन अब एफपीआई वाला बोलेगा कि यार मैंने 10 रुपए यहां तो दे ही रखे हैं, तो आपने यहां पर जो पुराना 100 रुपए था उसका भी मेरे से यहां से वसूल लिया आप, तो इन्होंने कहा कि यार बात तो तुम्हारी सही है, यही तो वैट में दिक्कत था यार, अब हम क्या करें। तो इन्होंने कहा कि यार कुछ ऐसा मेथड बताइए जिसके थ्रू ये जो पुराना वाला टैक्स आपने लिया है वो मैं यहां से एग्जेम्प्ट करा लूं। सरकार ने कहा ठीक है चलो एक काम करिए, ये जो 10 रुपए का आपने यहां पर टैक्स जैसे ही दिया होगा आपको तुरंत मैं यहां पर एक पर्चा दे दूंगा, या फिर कह दीजिए कि आपको एक मैं इनपुट क्रेडिट सिस्टम दे दूंगा, इनपुट क्रेडिट कार्ड दे दूंगा, ठीक है, तो जब भी आप नेक्स्ट टैक्स पे करिएगा ये इनपुट टैक्स क्रेडिट या इनपुट क्रेडिट कार्ड दिखा दीजिएगा, आपने जो पुराना वाला टैक्स दिया है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे ही ये 20 रुपीज देंगे वैसे ही अपना पुराना वाला इनपुट क्रेडिट कार्ड दिखा देंगे और 10 रुपए इनका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इनको देना पड़ेगा केवल और केवल 10 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स। क्लियर हो गया, यही तो प्रॉब्लम थी हमारी वैट सिस्टम की, तो ये 10 रुपए एग्जेम्प्ट हो गया, यानी कि आगे जब भी जाएगा तो 200 रुपए गया प्लस 10 रुपए और टैक्स गया प्लस 100 रुपए और गया, यानी जो पैसा आगे कंज्यूमर को 320 रुपए में पिज्जा, मतलब कि पिज्जा वाले को 320 रुपए में मिल रहा था वो मिला केवल और केवल अब 310 रुपए में। और यहां पर 310 रुपए पे यहां पर इन्होंने क्या किया कि 90 रुपीज का मान लेते हैं कि जो होता है वो 80 रुपीज का, हालांकि यहां पर जो होता है ये वैल्यू एडिशन कर रहे थे, तो जब ये वैल्यू एडिशन करेंगे टोटल मार करके बन गया कितना 390 रुपए, जो पहले 400 रुपए का बनता था। अब इस पे भी अगेन जीएसटी लग जाएगा, मान लेते हैं 10% लगा, 39 रुपए का जीएसटी लग गया। पहले अगर वैट सिस्टम होती तो ये बन जाती 390 प्लस 39, यानी ये बन जाता टोटल मार करके कितना 429 रुपीज, ये बन जाता फाइनल प्राइस। लेकिन ये जीएसटी अगेन क्या हुआ, 39 रुपीज ऑलरेडी आपने दो चरणों में पे कर रखा है, तो आपने क्या है पहले से ही इनपुट ले रखा है। अब इनपुट जैसे ही लेंगे इस वाले को तो आपने यूज कर लिया तो ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां का जो एग्जेम्पशन है, यहां का जो इनपुट क्रेडिट कार्ड है वो अभी आपने यूज नहीं किया है, तो आप क्या करेंगे, इनपुट क्रेडिट कार्ड यहां पर 39 रुपए पे दिखा देंगे, आपका 10 रुपए माइनस हो जाएगा, केवल और केवल 29 रुपए आपको टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि ये जो 429 रुपए थी वो घट करके अब चला गया 419 रुपए पे। यानी जो कंज्यूमर पे सब लोगों का बर्डन पड़ रहा था, मतलब जो फार्मर का भी टैक्स का बर्डन, एफपीआई के भी टैक्स का बर्डन, डोमिनोज का भी टैक्स का बर्डन, वो सारा बर्डन खत्म होकर के अब केवल और केवल डेस्टिनेशन वाले का बर्डन पड़ेगा। और इस तरीके से ये जो जीएसटी सिस्टम थी वो काफी जो इंटरनल प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दी गई। क्लियर हो गया जीएसटी का क्या दिक्कत, जीएसटी की क्या खासियत है। अब देखिए जीएसटी की एक चीज तो हमने दे लिया कि हाँ ठीक है इंटरनल की प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर दे रहा है, अब जरा बाकी जो दूसरी प्रॉब्लम थी जहां पर सेंटर और स्टेट वालों के लिए दिक्कत हो रही थी आइडेंटिफाई कर पाना कि कौन सी टैक्स कौन वसूलेगा, इन्होंने अगेन सॉल्व कर दिया। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि हमारा जो जीएसटी रहेगा वो तीन फॉर्मेट में रहेगा, एक रहेगा सी जीएसटी, दूसरा रहेगा एस जीएसटी और तीसरा रहेगा आई जीएसटी। जो सी जीएसटी है उसका मतलब है सेंटर जीएसटी, एस जीएसटी का मतलब हो गया स्टेट जीएसटी, आई जीएसटी का मतलब हो गया इंटर स्टेट जीएसटी। अब ये सब क्या चीजें हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं और बीच में मैं बता दूंगा आपको कि क्या क्या सिस्टम है।
तो जीएसटी इज अ इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लेवीड ऑन द मैन्युफैक्चर सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्लियर हो गया. फीचर्स के बारे में बात करें तो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स. क्लियर. हमेशा वैट भी हालांकि जो होता है डेस्टिनेशन बेस्ड था, कोई दिक्कत नहीं है. मेड ऑन वैल्यू एडिशन, कोई दिक्कत नहीं है. जीएसटी इंक्लूड सर्विसेज टैक्स ऑल्सो, तो ये पहले भी इंक्लूड होता था, इसमें इंक्लूड होती है, इसमें कोई नई चीज नहीं है. अब यहां पर जो नंबर ऑफ तमाम ताम झाम टैक्स हुआ करते थे इनडायरेक्ट फॉर्मेट में, जो नहीं पता चल पा रहा था कि सेंटर को लेना है या फिर स्टेट को लेना है, वो एक साथ इंक्लूड कर दिया गया इन द फॉर्मेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज जीएसटी. और ये क्या क्या है, सेंटर वैल्यू टैक्स हो गया, एडिशनल कस्टम ड्यूटी हो गई, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑन कस्टम हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गई, सर्विस टैक्स हो गई, स्टेट वैट हो गया, एंड सम ऑफ द अदर टैक्स मर्ज्ड इनटू जीएसटी. जीएसटी प्रपोजेस फोर टायर स्ट्रक्चर दैट इज 5%, 12%, 18% एंड 28%. क्लियर हो गया. तो बेसिकली यहां पर क्या है कि फोर टायर स्ट्रक्चर बन गई, वन इज 5%, सेकेंड वन इज 12%, थर्ड वन इज 18% एंड फोर्थ वन इज 28%. अब मैंने आप लोग को बोला कि यहां पर जो जीएसटी होती है वो दो तरीके से फिलहाल मानकर चलते हैं, एक हो गया सीजीएसटी और दूसरी बोल दिया मैंने एसजीएसटी. ठीक है. अब यहां पर क्या होता है कि जीएसटी तो मैंने बोला है कि 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, तो ये वाली चीजें क्या है, ये वाली चीज ये है कि देखिए अगर कोई प्रोडक्ट है मान लेते हैं उस पर 5% का टोटल जीएसटी लगना है, ये तुरंत डिवाइड हो जाएगा 50-50 में, यानी कि 2.5% और 2.5%, 2.5% चलाएगा सेंटर को सीजीएसटी के फॉर्मेट में और 2.5% चलाएगा एसजीएसटी को, स्टेट को चलाएगा एसजीएसटी के फॉर्मेट में. तो स्टेट वाले भी अपना खर्चा निकाल दिए और सेंटर वाले भी अपना खर्चा निकाल दिए और इस तरीके से दोनों को अमाउंट पहुंच गई है. अब दोनों में कोई टेंशन नहीं है, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अब चिल काट लेंगे और सुविधा हो गई एस्पिरेंट्स को भी, हम लोगों को भी, पढ़ने वालों को भी कि भाई देखो ऐसा है कि अब हमें ये नहीं याद करना पड़ेगा कि न्यूज़पेपर टैक्स कौन लगाता है, किसके द्वारा वसूला जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स कौन लगाता है, किसके द्वारा वसूला जाता है. अब सबके सबको वसूला जाता है जीएसटी के फॉर्मेट में और डिवाइड कर दिया जाता है. सिमिलरली 12% वाला भी डिवाइड हो जाएगा 6% और 6% में, एक चला गया सीजीएसटी को, दूसरा चला गया एसजीएसटी को, स्टेट को चला गया. सिमिलरली 18% 9% 9% में चला जाएगा, 28% 14% 14% में चला जाएगा. क्लियर हो गया क्या चीज है सीजीएसटी और एसजीएसटी. कभी भी आप कोई भी सामान सिटी मॉल्स या कहीं से भी परचेज करेंगे जहां पर इनवॉइस आपको मिलती हो, इनवॉइस में आप देखिएगा वहां पर लिखा रहेगा जीएसटी और वहीं पर तुरंत इस तरह से लिखा रहेगा सीजीएसटी इतना परसेंट, एसजीएसटी इतना परसेंट. लेकिन एक तीसरा चीज मैंने बताया था कि आईजीएसटी ये क्या चीज है, ये तो कहीं पर मुझे दिख ही नहीं रहा है. यहां पर जरा आप सिस्टम यहां पर समझिएगा आईजीएसटी का मतलब क्या होती है. मान लेते हैं कोई सामान है वो महाराष्ट्र से निकल करके आ रहा है, वो पहले पहुंच रहा है एमपी में, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से फिर आ रहा है मान लीजिए यूपी में. महाराष्ट्र में मान लेते हैं प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन को ले लेते हैं, काम करते हैं कॉटन की प्रोडक्शन ले लेते हैं, कॉटन की मान लेते हैं कोई क्लोथ है, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन हो रही है. अब क्या हुआ, कॉटन वाला जो भी आइटम होगा ऑब्वियसली जब भी ये ट्रांसफर मतलब कि महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में जब भी जा रहा होगा, बीच में तुरंत एक्साइज वाले रोक करके पहले एक्साइज टैक्स ले लेंगे. और मैंने बोला एक्साइज टैक्स अलग से लेने की कोई बात ही नहीं है, ये तो पूरा पूरा जीएसटी में ही चला गया है. तो होगा क्या, जैसे ही महाराष्ट्र और एमपी का बॉर्डर आएगा वैसे ही महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बोलेगी यार मुझे अपना जीएसटी का, तुम एक काम करो आईजीएसटी दे दो. तो कहेगा जो सेलर था वो कहेगा कि यार ठीक है ले लो. तो इन्होंने क्या किया, आईजीएसटी के फॉर्मेट में मान लेते हैं कि 100 रुपए पे कर दिया. अब जब ये आगे बढ़ेगा तो मध्य प्रदेश वाला ये भी बोलेगा हमारा जीएसटी दे दो, तुम हमारे यहाँ का इलाका यूज किए, हमारे यहाँ का ट्रांसपोर्ट यूज किए हो. तो ये बोलेगा कि यार तुम लोग तो यार लगातार जो होता है एक्सप्लॉइट किए जा रहे हो. तो यहां पर सिस्टम क्या होगा, यहां पर क्या बोला जाएगा, जब भी ये 100 रुपए का जैसे ही टैक्स दिया जाएगा इनको एक इनपुट क्रेडिट कार्ड भी दे दिया जाएगा. जहां पर भी 100 रुपए को एग्जेम्प्ट कराना रहेगा वहां पर ये दिखा देंगे. अब जैसे क्या होगा, जब भी ये एमपी में पहुंचेंगे यहां पर मान लेते हैं कि 200 रुपए का इनके ऊपर में टैक्स लगा, जीएसटी लगा, आईजीएसटी लगा. तो ये 100 रुपए वाला जो आईसीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो माइनस करवा लेंगे और 100 रुपए का जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, जीएसटी है, आईजीएसटी के फॉर्मेट में, वो इनको दिखा करके दे करके चले जाएंगे. और यहां से ये 100 रुपए का आईजीएसटी का जो इनपुट टैक्स इनपुट क्रेडिट कार्ड है वो ले लेंगे पर्ची के फॉर्मेट में. अब ये जब यूपी में पहुंचेंगे तो यूपी में अपना जीएसटी पे करेंगे, जीएसटी में आईजीएसटी मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करेंगे ही करेंगे. जब ये पे कर देंगे तो उसके बाद से ये अपना ये क्रेडिट कार्ड लगाएंगे आईसीसी इनपुट क्रेडिट कार्ड लगाएंगे, माइनस कराएंगे और जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा केवल और केवल
वही पे करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो टैक्स का लगातार क्यूमुलेशन हो रहा था, ये क्यूमुलेशन अब पूरी तरीके से रुक गया। एक तो किसके मदद से? इनपुट क्रेडिट सिस्टम की वजह से, इनपुट क्रेडिट सिस्टम की मदद से, ठीक है, ICS इसी को बोला जाता है, इनपुट क्रेडिट सिस्टम। क्लियर हो गया। और यही है खास बात, यही है खूबी जीएसटी की। समझ में आ गया पूरी जीएसटी का मतलब क्या है? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए, जीएसटी इज अप्लाइड व्हेन टर्नओवर ऑफ द बिजनेस एक्सीड 20 लाख पर ईयर, लिमिट इज 10 लाख फॉर नॉर्थ ईस्टर्न। नॉर्थ ईस्टर्न के लिए 10 लाख का होता है और बाकी के स्टेट्स के लिए 20 लाख होते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का मतलब कि जो भी 8 सिस्टर स्टेट है, 8 प्लस 3 जो स्पेशल कैटेगरी है, मतलब कि हिमालयन स्टेट आप बोल सकते हैं इन लोगों को, दीज आर हिमालयन स्टेट। लेकिन खैर आपको ये बिल्कुल भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपके काम का नहीं है, ये सारा का सारा चार्टर्ड अकाउंटेंट के टेंशन में जाता है, ये हमारे टेंशन में नहीं है, हमारा टेंशन ऑलरेडी बहुत बड़ा है। अब यहां पर देखिए, दूसरी जो मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बोल रहा था या इनपुट क्रेडिट सिस्टम के बारे में बोल रहा था, ये वही है। इनपुट क्रेडिट मींस एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स और आउटपुट, टैक्स पेड ऑन इनपुट विल बी डिडक्टेड। तो जो पहले वाला दे रखा था वो आपने डिडक्ट करा दिया। इसके बाद दूसरा हो जाता है, सेंटर और स्टेट दोनों के दोनों 50-50% रेशियो में लेंगे, एक्सेप्ट द आईजीएसटी, क्योंकि आईजीएसटी स्टेट वाला लेगा और तुरंत के तुरंत ये अपना इनपुट क्रेडिट कार्ड दे देगा। जीएसटी काउंसिल एक चीज होती है जो सब कुछ डिसाइड करेगी कि यार 5% वाले कैटेगरी में कौन कौन सा आइटम जाएगा, 12% वाले कैटेगरी में कौन कौन सा आइटम जाएगा, 18% वाले कैटेगरी में कौन कौन सा आइटम जाएगा, 28% वाले में कौन कौन सा आइटम जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इनपुट क्रेडिट कार्ड वाला जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करेगा, अगर कल को कोई नई दिक्कत आती है तो कोई चीज कैसे सॉल्व होगी, ये सारा का सारा करती है जीएसटी काउंसिल करती है। जीएसटी काउंसिल के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए आप लोग कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसको रखा गया है आर्टिकल नंबर 279 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जीएसटी काउंसिल का मतलब क्या है। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कितने नंबर की है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, आपको बताना है कौन से नंबर का ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इनफैक्ट दो चीज बताइएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नंबर कौन सा है और एक्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बिल नंबर आपको हायर वर्जन में मिलेगा, ठीक है, चलिए खैर। इसके अलावा जो होता है, जीएसटी काउंसिल हैज अडॉप्टेड अ ड्यूअल जीएसटी विद टू कंपोनेंट, सेंट्रल जीएसटी एंड एसजीएसटी, 50-50% में रेशियो हो जाता है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट थिंग बोलता है कि आईजीएसटी कम टू प्ले व्हेन द कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड इन वन स्टेट एंड ट्रेडेड टू अनदर स्टेट, जैसे कि अभी हम लोगों ने कॉटन के केस में देखा महाराष्ट्र से। इन दिस केस द शेयर ऑफ एसजीएसटी शुड गो टू कंज्यूमिंग स्टेट, तो जो भी कंज्यूमर स्टेट है, मतलब अल्टीमेटली यूपी में आने वाला है, तो यूपी में ही ये पूरा का पूरा एसजीएसटी का शेयर से कटेगा आईजीएसटी, ठीक है, एज द जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो जहां पर भी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है वहां पर कटेगा। तो ये नहीं आप कहेंगे कि मान लीजिए 100 रुपीज आपने दिया हुआ था और आपने क्या किया कि यूपी में आकर के मान लेते हैं कि इस पर टोटल जीएसटी जो बैठा वो 200 रुपए बैठने में सेंट्रल के पास चला गया 100 रुपए और स्टेट के पास चला गया 100 रुपए। अब यहां पर क्या है, महाराष्ट्र वाला भी मौज में है और सेंटर वाला कहेगा कि जब भी आप 100 रुपए का एग्जम्पशन लेंगे तो आप कहेंगे सेंटर वाले से काट देते हैं, तो सेंटर वाला कहेगा यार तुम तो मेरे साथ ही धोखा कर रहे हो, स्टेट वाले मजा ले लेंगे, तो आपको यूपी वाले को ये कटना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी महाराष्ट्र वाले ने ये टैक्स ले लिया है। इनकेस आपको अगर मंगाना पड़ता यूपी वाले को, महाराष्ट्र से कोई आइटम मंगाना पड़ता, तो ऑब्वियसली दे वुड हैव पेड सम टैक्स एंड वही वाला टैक्स यहां पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यूपी वाले को कोई भी टैक्स यहां पर नहीं मिलेगा, सेंट्रल के टैक्स पास पूरा का पूरा टैक्स चला जाएगा। तो दिस इज हाउ द सिस्टम गोज ऑन। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब जरा आगे आते हैं और कंपोजिशन स्कीम के बारे में बात करते हैं। कंपोजिशन स्कीम का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा एग्जेम्पशन, कुछ एग्जेम्पशन दे दिया जाता है छोटी इंडस्ट्रीज को। जैसे इट इज एन इजी लो प्रोसीजर एंड कंप्लायंस फ्रेंडली टैक्स स्कीम फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो बेसिकली जो एमएसएमई सेक्टर की होती है उनको थोड़ा कुछ एग्जेम्पशन दिया जाता है, कुछ यहां पर रियायत दी जाती है। लेस नंबर ऑफ टैक्स रिटर्न फाइल्स ऑन द क्वार्टरली बेसिस, और ये सब चीजें होती है। टर्नओवर जो होता है 1.5 करोड़ से कम का होना चाहिए। अवेलेबल ओनली फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट नहीं, इंट्रा, विद इन द स्टेट अगर कोई सप्लाई कर रहे हैं तभी केवल आपका काम चलता है इससे। और इनपे क्या होता है, नो इनपुट स्कीम फैसिलिटी इज अवेलेबल, इकोनॉमिक फर्म जो होती है इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं।
तो देखिए इतना कुछ खास नहीं है, आप इस चीज को स्किप कर सकते हैं कंपोजिशन स्कीम को, क्योंकि ये मतलब ज्यादा ही बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाएगा, कॉर्पोरेट ये चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह कर रहे होते हैं। बाकी इसके बाद जो होता है एक और चीज देख लीजिए यहाँ पर कि एक्सपोर्ट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी एज इन द केस ऑफ द प्रीवियस रिजीम। जैसे पहले होता था एक्सपोर्ट को एग्जेम्प्ट किया गया था, वैसे ही अभी भी एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी कि जब भी हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे इस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे अभी भी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मतलब जो फॉरेन का काम होता है फॉरेन से, ये अभी भी हमें इस पर एक्साइज ड्यूटी और इस पर हमें कस्टम ड्यूटी अभी भी हमें देना पड़ता है, इसको जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके अलावा जीएसटी में और क्या इंक्लूड नहीं किया गया, अल्कोहल को इंक्लूड नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि इससे स्टेट वालों को काफी अच्छा रिवेन्यू प्राप्त होता है और स्टेट वाले क्या करते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट इसीलिए हो जाता है। इसके अलावा पेट्रोल वगैरह का भी यही सीन है, पेट्रोल को भी एग्जेम्प्ट किया गया, पेट्रोल को भी जीएसटी में नहीं रखा गया है, क्यों? क्योंकि स्टेट का यहाँ पर भी रिवेन्यू यहाँ पर काफी ज्यादा अफेक्ट हो जाएगा, इसलिए अभी नहीं रखा गया, इन फ्यूचर नियर फ्यूचर देखते हैं शायद हो जाएगा। बाकी देखिए जीएसटी काउंसिल के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और बाकी इसके डिटेल के बारे में यहाँ लिखा है कि जीएसटी काउंसिल इज द की डिसीजन मेकिंग बॉडी दैट विल टेक ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइक टैक्स रेट हो गया, टैक्स एग्जम्पशन हो गया, ड्यू डेट ऑफ फॉर्म हो गया, टैक्स लॉज हो गया, टैक्स डेडलाइंस हो गया, जितने भी जो कुछ भी निर्णय लेना होता है वो सब के सब इस जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिया जाता है। जीएसटी काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और जीएसटी काउंसिल इज अ ज्वाइंट फोरम फॉर द सेंटर एज वेल एज स्टेट, तो इट इज अ फॉर्मेट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अगर आप जानते होंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो आप इस चीज को लिंक कर ले रहे होंगे, तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। द काउंसिल विल ऑल्सो सेटअप एंटी प्रॉफिटरिंग स्क्रीनिंग कमिटी। अब ये एंटी प्रॉफिटरिंग स्क्रीनिंग कमिटी क्या होती है ये भी सुनते हैं, ध्यान से सुनिए। अब जैसे क्या हुआ था, जब जीएसटी नया नया आया था उस समय क्या हुआ था, लोग बहुत मजा लिए थे, मजा लिए थे मतलब शॉपकीपर जो है, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा, मान लेते हैं कि मैगी है, ठीक है, मैगी मैगी मिलती है 10 रुपए की, उस समय रेट जो होता है 11 रुपए हो गया था, क्यों हो गया था, क्योंकि उस समय सोडियम मोनोग्लूटामेट का कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण से प्रोडक्शन रुक गई थी, काफी दिन तक प्रोडक्शन रुकी हुई थी, उसके बाद से लॉन्च किया गया तो 1 रुपए महंगा कर दिया गया था। दुकान वाले क्या करते थे, इसको 12 रुपए में बेचते थे, 1 रुपए एक्स्ट्रा मार करके, क्यों, इस पर लिखा हुआ है एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होती है उसके 11 रुपीज ही है, लेकिन दुकान वाले बोलते थे कि देखो जीएसटी आ गया और जीएसटी इस पर नहीं लगा है तो 1 रुपए एक्स्ट्रा लेते थे। आम जनता बेवकूफ बन के कहती थी यार बात सही है, तो इससे क्या हुआ कि इन्होंने जीएसटी फॉलो नहीं किया, जीएसटी का इन्होंने दुरुपयोग किया, तो जो भी इस तरीके का दुरुपयोग करता है और प्रॉफिट कमा रहा है उसके लिए सरकार ने क्या किया, एंटी प्रॉफिटरिंग एक एजेंसी बना दिया, या कह सकते हैं कि एक वसूली भाई टाइप के लोग बना दिया जो लगातार चेक करेंगे क्या कोई इस तरीके का प्रॉफिट कमा तो नहीं रहा है। तो बेसिकली जो नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी है ये एक रेगुलेटरी मेजर है जो चेक कर रहा होता है कि क्या जीएसटी के चीजों को सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये तो हुआ बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई साबुन है सोप, ठीक है, सोप को पहले मान लेते हैं कि रखा गया था 12% की कैटेगरी में, 12% जो जीएसटी का है ना स्लैब उस 12% पे रखा गया, फिर क्या हुआ जीएसटी काउंसिल बोलती है कि नहीं नहीं यार 12% यार बहुत महंगा हो गया आम जनता के लिए, यार अवेलेबल नहीं हो रहा, इसको हम 5% में कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, मान लेते हैं कोई पहले प्रोडक्शन 100 रुपीज पे हो रही थी, 12% इस पे जीएसटी लग रहा था तो 12 रुपए यानी सोप का दाम हो गया 112 रुपए, लेकिन फिर क्या हुआ इसका दाम घट करके 100 रुपए प्लस 5 रुपए क्योंकि टैक्स चेंज हो गया 105 रुपए पे आ गया। अब क्या हुआ, कंपनी वाला कहेगा कि यार बड़ा गड़बड़ है यार, हम तो यार 112 रुपए पे ले रहे थे अब 105 रुपए कर दिया, हमारा सीधे सीधे 7 रुपए का नुकसान हो गया है। तो कंपनी वाले एक तो ऑप्शन ये है कि अपनी खुद की ही चलाएंगे और कहेंगे नहीं हम 112 रुपए में ही बेचेंगे आप कुछ भी करिए। तो अगेन क्या है, यहां पर जीएसटी काउंसिल के जो निर्णय है जो जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया उसको फॉलो नहीं किया गया, और यहां पर भी नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग एजेंसी आएगी और इस सॉप जो सोप है इसके कंपनी वाले को पकड़ करके लेके जाएंगी, केस वगैरह फाइल किया जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जब भी बीच में इस तरीके के जितने भी प्रोडक्ट्स थे एफएमसीजी के, जितने भी प्रोडक्ट थे एफएमसीजी के उसमें क्या हुआ था कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर एक्स्ट्रा लगा दिया गया था कि 10% एक्स्ट्रा 20% एक्स्ट्रा, क्यों, क्योंकि यार सीधी सी बात है 112 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग तो ऑलरेडी हो चुकी होगी, अब इन्होंने क्या किया नया प्रोडक्शन बना दिया, नया रेट लगा दिया, तो नए रेट में आप क्या करेंगे, जो बड़ा वाला प्रोडक्शन है बड़ा वाला रेट है उसी पे रेट कम ना करके ये लोग थोड़ी सी एक्स्ट्रा दे देते थे। तो ये तरीका अपनाया गया था जीएसटी काउंसिल नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी के द्वारा। समझ में आ गया नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी क्या है।
तो इसके बारे में देख लीजिए, इट अ इंस्टीट्यूशनल मेजर मैकेनिज्म अंडर जीएसटी लॉ टू चेक द अनफेयर प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज क्लियर बाय द ट्रेडिंग कम्युनिटी विद कोर फंक्शन ऑफ इंश्योरिंग टैक्स रिडक्शन विल बी पास्ड ऑन टू एंड कस्टमर। तो एंड कस्टमर तक जो भी चीज मिले वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो भी निर्धारित किया गया उसके द्वारा ही मिले। इसके अलावा एक चीज होती है जीएसटीएन, जीएसटीएन मतलब कि जीएसटी नेटवर्क। अब ये क्या चीज होती है, हर एक शॉपकीपर को देखिए दिया जाता है जीएसटीएन, बोला जाता है उनको जीएसटीएन ले लीजिए। होता क्या है जीएसटीएन का मतलब कि इट इज अ नेटवर्क। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि दिस इज अ मैन, ये आदमी है, इसको मान लेते हैं जीएसटी फाइल करना है। तो जीएसटी फाइल करने के लिए क्या होगा, इनको अपना एक जीएसटी नंबर लेना होता है। लेकिन जीएसटी फाइल करना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और कोई भी जब कोई काम नया होता है तो हमेशा वो कॉम्प्लेक्स ही बन जाता है। तो इनको एक सर्विस हैंड प्रोवाइड किया गया है। सर्विस हैंड कहने का मतलब समझ लीजिए कि एक आसानी हेल्प देने की कोशिश की गई है इस जीएसटी नेटवर्क के जरिए। पहले क्या होता था कि ये गवर्नमेंट प्लस यहां पर प्राइवेट दोनों ही था, हालांकि जो होता है प्राइवेट के भी शेयर को गवर्नमेंट ने खरीद लिया, और आज की डेट में ये प्योरली गवर्नमेंट एजेंसी बन गई है और ये आपको हेल्प प्रोवाइड कर रही होती है। इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली अर्न बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर, हालांकि प्राइवेट प्लेयर अब खत्म हो गया है, इट इज सोलली गवर्नमेंट बेस्ड, अब ये केवल और केवल गवर्नमेंट बेस्ड हो गया है। तो जीएसटीएन हैज बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग इनडायरेक्ट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म फॉर जीएसटी टू हेल्प वन प्रिपेयर। तो वही चीज है कि आपको किस तरीके से टैक्स पे वे करना है उसके बारे में बताया गया है इस पूरे के पूरे जीएसटी में। तो दिस इज ऑल थिंग अबाउट दिस जीएसटी, और हम लोगों ने बाकी सारे टैक्स के फॉर्मेट में देखा। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा बाकी टैक्स का कल्चर क्या है, किस तरह का सिस्टम है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है, टैक्स को कैसे बचाया जाता है, टैक्स को किस तरीके से चोरी की गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल क्या है, DTAA क्या है, मेनी मोर टू कम, बहुत सारी चीजें आएंगी हम लोग के पार्ट टू में आएंगी। पार्ट टू में हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफी लंबा हो गया है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डाउट को अपने रेज करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।